हेलो जी, मैकेडोनिया से स्कोपिये के अंदर पहला दिन। और मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं सिटी सेंटर है। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जो स्टैचू है मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। यहाँ से मैंने शुरुआत की है। अब मैं जो है बाकी जो अट्रैक्शन है उनकी तरफ जाऊँगा और आपको सारी जो अट्रैक्शन आज दिखाते हैं। सेंटर से जब आप सीढ़ियाँ उधर के नीचे को आते हैं तो पहली जो चीज़ आप देखते हैं वो है जी स्टोन ब्रिज। और इस स्टोन ब्रिज के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन 500-600 साल पुराना है। और इसकी दोबारा से रीज की जो कंस्ट्रक्शन थी वो उन्होंने की थी 1400 में। और सल्तनत उस्मानिया के दौर भी इसने देखा है। और मे भी शायद जो मेन जंगें हुई थी सल्तनत उस्मानिया की और बल्गेरियन एम्पायर्स की, उसको भी इसने देखा हुआ है, इसने विटनेस किया हुआ है। अभी इसको क्रॉस करते हुए जो है वो मैं आगे की जानिब जाऊँगा। रास्ते में कुछ म्यूज़ियम्स आएँगे। होपफुली अगर आज ओपन हो तो ये अच्छी बात होगी, क्योंकि आज सैटरडे है और मैं वीकेंड के ऊपर यहाँ पे आया था। और फिर उसके बाद उसको क्रॉस करते हुए हम जाएंगे जी सेंट्रल बाज़ार जो है ओल्ड बाज़ार। वहाँ पर तुर्किश जो चीज़ें आपको नज़र आती हैं, जो पुराना आर्किटेक्ट है, जो सल्तनत उस्मानिया के दौर का आर्किटेक्ट था, वो आपको नज़र आता है। कुछ मस्जिदें हैं उसके अंदर, कुछ हमाम है। तो अगर वो ओपन हुए आज तो हम सबको विज़िट करेंगे। और उसके बाद जो है वो हम अगली नेक्स्ट स्टेशन के ऊपर जाएँगे। तो चलिए चलते हैं, आपको बाज़ार दिखाते हैं और लेट्स सी हाउ यू लाइक इट। तो जी मैं अभी इस वक्त जो है ओल्ड बाज़ार के अंदर मौजूद हूँ। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखने को मिलती हैं, जिसमें मोस्टली तुर्की शॉप्स हैं। और जैसे ओल्ड तुर्की के ओटोमन एम्पायर के अंदर जो था वो मौजूद था बाज़ार, उस तरह का ये बाज़ार है। यहाँ पर आपको हर तरह की जो चीज़ें हैं वो देखने को मिलती हैं, चाहे वो खाने हों डिफरेंट तरह के तुर्कीज़, चाहे जो हैं वो डिफरेंट तरह की शॉप्स हों, सोवेनियर्स हों, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह हो, तो आप यहाँ पे आके जो है वो बाय कर सकते हैं। अभी जो मैं सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पर तुर्किश की जो ओल्ड मॉस्क वगैरह थी वहाँ पर जाऊँ और उनको देखूँ कि वो कैसी हैं। अगर ओपन है तो उनको जाके जो है वो एक्सप्लोर करते हैं और साथ आपको भी दिखाते हैं। अभी जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये मुस्तफ़ा पाशा मॉस्क है, जो कि तुर्किश ने जो लोग थे उन्होंने बनाई थी। अभी क्लोज़ है फ़िलहाल, मे बी शाम काइंड ऑफ वर्क हो रहा है। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि क्वाइट प्यारी सी मॉस्क है। इस तरफ जो है वो पानी के जो झरने वगैरह वो भी आपको देखने को मिलते हैं। और दूसरी साइड पे जो है वो आप बाज़ार वगैरह जो है उसमें जा सकते हो। तो यहाँ पर बाज़ार है और ये साइड पर जो है वो दूसरा सिस्टम है इनका। तो इससे आपको ये आइडिया होता है कि किस तरह से जो तुर्किश दौर के जो लोग थे उन्होंने किस तरह से बाज़ारों को डिज़ाइन किया था, कि बिल्कुल सेंटर के अंदर मस्जिद और मस्जिद के इर्द गिर्द जो है वो बाज़ार, और वहाँ पर जो शॉपिंग वगैरह वाला सेंटर है वो सारा जो आपको एक ही जगह पे देखने मिलता है। जैसे कि आप इस साइड में मेरे देखने को देख सकते हैं कि बहुत सारा जो लोग हैं वो शॉपिंग वगैरह इधर से कर रहे हैं। एक ये बाज़ार है और एक ये वाला बाज़ार है और एक ये वाला बाज़ार है। तो 3 से 4 बाज़ार जो है एक साथ मिल रहे हैं। और अभी जो है वो मैं दूसरी जगह देखूंगा कि कौन कौन सी यहाँ पे मैं और दूर देखने को मिलती हैं। इसके बिल्कुल साथ ही जो है एक और मस्जिद भी है, वो भी सेम तुर्की स्टाइल में बनी हुई है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी जो है वो जो मैसेडोनियन का जो यहाँ पे फोर्ट्रेस है वहाँ पर जाया जाए। जैसे कि मैं मस्जिद की बात कर रहा था, ये देखें आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैसेडोनियन जो फोर्ट है वहाँ पर जाएँ और उसको एक्सप्लोर करूँ। लेट्स गो। फाइनली जी मैं हाइक करके स्कोपिये फोर्ट्रेस के ऊपर आ गया हूँ, जैसा कि आप मेरे से पीछे देख सकते हैं। और ये फोर्ट्रेस जो है काफ़ी बड़ा सारा है, जहाँ से पूरे शहर के जो है ना वो आपको नज़ारा देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अभी तक जो है मुझे तो खंडरात ही नज़र आए हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये खंडरात वगैरह ही हैं। और ये जो फोर्ट्रेस है ये बाज़ार के बिल्कुल बैक पर है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और देख सकते हैं इसको। लेकिन अगर आप पिक्चर्स वगैरह लेना चाह रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि आप शाम के वक्त जो है ना वो आएँ, ताकि आप जो है इसको देख सकें। तो अभी तो तक तो यही थी अट्रैक्शन, क्योंकि स्कोपिये में इतनी ज़्यादा कोई ख़ास अट्रैक्शन है नहीं। और जो म्यूज़ियम्स वगैरह हैं वो आज के दिन शायद बंद हैं, क्योंकि मुझे उसके जो है ना वो नहीं मिले हैं ड्रेसेस वगैरह। तो अभी फ़िलहाल के लिए छोटा सा ब्लॉग, मिलते हैं फिर आपको अगले किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फाइनली जी मेरा जो ट्रिप है वो मैंने कंक्लूड कर दिया है। और ये मेरे पीछे जो है सर्बिया मैकेडोनिया का बॉर्डर है, मैंने क्रॉस करके सर्बिया में आ गया हूँ। अब आपको बताते हैं कि जो खर्चा हुआ था मेरा वो कितना हुआ था और क्या क्या लागत आई, किस किस चीज़ के ऊपर आपके खर्चा आ सकता है। तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है आपका बस। तो मैंने बस ली थी नीच से स्कोपिये की, और उसमें मेरा खर्चा आया था तकरीबन अबाउट 40 यूरोस, दोनों साइडों के जाने आने के तकरीबन 40 यूरोस, उससे भी शायद कम था। और उसके बाद जो होटल था हमारा मेरा वो तकरीबन पर नाइट के हिसाब से मेरे ख्याल में 20 यूरो का पड़ा था मुझे, 20-25 का। ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था उसके अंदर और सेंटर के अंदर था। उसके अलावा जो खाने का खर्चा था रोज़मर्रा रोज़ाना के तकरीबन 5 यूरो जो हैं 10 यूरो रोज़ाना के 10 यूरो जो हैं वो आपका तकरीबन खाने पे, एक टाइम का खाना जो है एक बंदे का उस पर खर्चा होता है। तो ये टोटल जो है अगर आप करते हैं जितना भी इसका है तो वो तकरीबन 3 डेज़ का ट्रिप जो है इसका वो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगा मे बी अराउंड अबाउट 150 यूरो पर पर्सन, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ तो उस हिसाब से। लेकिन इसकी जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट हो सकती हैं, तो डिपेंडिंग ऑन योर कि आप किस जगह पे जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और क्या चीज़ें कर सकते हैं हम, तो वो आप पे डिपेंड करता है। तो जो मैं बिल्कुल बजट ट्रैवल पे किया था तो मेरा जो खर्चा है टोटल वो तकरीबन 150 यूरो से भी कम हुआ है, जो कि मैंने जो सारा सिस्टम था वो बिल्कुल सस्ता सा जो है ना बैकपैकर वाला किया था। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको लगी है तो डू सब्सक्राइब, कमेंट, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो जो पीछे नीचे पूछ लीजिए उनसे। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग।